डी के बारे में नहीं पढ़ा रही हूँ, पर मैं जो चीज़ें बता रही हूँ एक बार फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं। हमने आकार के साथ में, और एक आप मान सकते हो यहाँ पे डेंसिटी, हालांकि डेंसिटी साइज के साथ ही कोरिलेटेड रहता है, साइज और मास। पर जहाँ एनोमली थी, यानी डिफरेंट था नॉर्मल ट्रेंड से, नॉर्मल जो प्रक्रिया चलती है उसके उससे अलग जा रहा है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। सिर्फ कुछ पॉइंट्स दिए ताकि जब हम पीरियोडिक टेबल में या तत्वों के बारे में बात करें तो हमको ध्यान में रहना चाहिए। आकार की हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, लेफ्ट से राइट और डाउन अ वर्ग ग्रुप, किसी एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते समय या रिवर्स, लेफ्ट से राइट या राइट टू लेफ्ट, पूरे पीरियोडिक टेबल में। किसी एक ब्लॉक में जब बात करेंगे तो वो भी वही ट्रेंड लेगा, लेकिन ब्लॉक कौन सा है ये हमें ध्यान रखना है। यदि मैं पी ब्लॉक की बात कर रही हूँ तो मुझे डी एलिमेंट की प्रॉपर्टी या डी एलिमेंट कहाँ से शुरुआत में वो ज़रूर दिमाग में रखना होगा, वरना हम एल्युमिनियम और गैलियम में जो फ़र्क आना चाहिए, यानी तीसरी आवर्त सारणी और तीसरी आवर्त और चौथी आवर्त में पीरियड्स में क्या फ़र्क आना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे, अगर मुझे ट्रांजिशन का नहीं मालूम है तो। ठीक है, इसी तरह से जब मैं छठे और पाँचवें की कंपेयर करूँगी तो मुझे लेंथेनाइड की एंट्री मालूम होनी चाहिए। अगर ये एंट्रीज नहीं पता है तो मैं आकार में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगी। इसमें ही आधारित हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जैसा मैंने कहा था कि तीनों की तीनों आपकी ऊर्जा से संबंधित हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी अणु से संबंधित। जहाँ पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिफाइन करना रह गया था हमारे से, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्या कहलाती, क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? कॉपी बंद कर दो, डेफिनेशन रटी हुई नहीं चाहिए, समझ की चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया ऊर्जा से संबंधित है, पहली बात। कौन सी ऊर्जा से संबंधित है? बंद ऊर्जा से। और किसके बीच में है ये? अणु, परमाणु नहीं है। पहले वाले हमारे 1, 2, 3 और ये हमारे परमाणु से संबंधित थे। अणु से संबंधित है, बंद ऊर्जा से संबंधित है, तो कोई ना कोई आकर्षण बल भी होगा। तो अब क्या हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? और नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण है, ये भी हमें पता है, क्योंकि बंद ऊर्जा कहाँ से निकलेगी? नाभिक के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? दो परमाणुओं में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ? ऊर्जा को हम कैसे इससे कोरिलेट करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर आप उसको कोशिश करिएगा शब्दों में डालने की। यदि मैं NaCl, यस NaCl को छोड़िए HCl लेते हैं, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन और हाइड्रोजन की? डिफरेंस तो मालूम है आपको, 2.1 3. बच्चों ये एक टिप है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की और क्लोरीन की होती है, फिर आपकी कार्बन 2.5, इसके बीच में भी एक दो हो सकते हैं, मोटा मोटा मैं बता रही हूँ, हाइड्रोजन 2.1 और भी है नीचे, पर ये जो बिल्कुल मुख्य हैं उनको हमें भूलना नहीं है। ठीक है, और ये आपकी किताबों में जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चैप्टर पोर्शन दिया हुआ है वहाँ पे ये विस्तार से समझाया हुआ भी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम अगली क्लास में लेंगे, पर अभी तो मैं इसके ट्रेंड के बारे में बात करूँगी। तो विद्युत ऋणात्मकता को हम कैसे कह सकते हैं? किसी भी परमाणु की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की ऊर्जा है ना, पावर, ऊर्जा। तो हम अगर उसको अलग करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? उस आकर्षण बल के विरुद्ध काम करेंगे। ठीक है, अभी तक हम परमाणु में क्या बात कर रहे थे? नाभिकीय आकर्षण बल उसी के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऊर्जा निकल रही है या दी जा रही है। पर जब हम अणु में बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द एटम, और जब वो एटम पुल करेंगे तो एटम किसको पुल कर रहा है? शेयर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो वो शेयर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। नतीजा क्या होगा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी या जिसकी खींचने की पावर अधिक होगी उसको हम अधिक विद्युत ऋणात्मक बोलेंगे। जैसे कि यहाँ क्लोरीन मैंने उदाहरण लिया, क्लोरीन का उदाहरण क्यों लिया?
क्योंकि क्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखती हूँ, पहली बात तो इसको अगर मैं पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन देखती हूँ तो कहाँ मिलेगा? हेलोजन वाला ग्रुप जो नोबल गैस से जस्ट पहले है, यही है नोबल गैस से जस्ट पहले, यानी नोबल गैस में हमारा क्या हुआ, अष्टक पूरा हो गया। तो अष्टक पूरा होने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो निसंदेह। और दूसरी बात, मैं जब लेफ्ट से राइट जा रही हूँ तो यहाँ नोबल गैस है तो यहाँ ये हेलोजन है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, आकार घटता है। नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ा, आकार घटा, तो क्या रहेगा? नाभिकीय आकर्षण बल बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की तरफ बहुत तेज होगा। नतीजा वो आसपास जहां भी इसको ऋणात्मक चीजें दिखेंगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दिखेगा, वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। जब आकर्षित करने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ किससे करेगा? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास आपके बाह्यतम में अगर हम देखते हैं तो पांच है, एक की कमी है, तो एक की कमी है तो आराम से जो बलवान है उसको खींच लेगा और कमजोर बेचारा दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही है। या तो हाइड्रोजन एक खींच ले, और वो एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन में इतनी क्षमता नहीं है कि इन सब के विरुद्ध काम करके इसको अपनी तरफ खींच सके। तो नतीजतन विद्युत ऋणात्मक वैल्यू हाइड्रोजन की कम हो गई, क्लोरीन की अधिक हो गई। तो क्या रहा? शेयर्ड पार्ट, इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पार्ट को किसी बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो बल है या पावर है उसको हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मक। और यहाँ ऊर्जा कैसे लगी? क्योंकि अगर मैं इसको अलग कर रही हूँ तो मैं किसके विरुद्ध काम कर रही हूँ? आकर्षित बल के विरुद्ध। किसके? यहाँ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इससे भी आकर्षित हो रहा है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे भी हो रहा है। तो जब मैं क्लोरीन या हाइड्रोजन किसी एक को जब अलग करूंगी तो अलग करते समय मैं इसको काट रही हूँ। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, देने वाले के ऊपर धनात्मक और लेने के वाले के ऊपर, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। आपके पास 17 अगर प्रोटॉन है और 18वां इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, न्यूट्रल नहीं रहा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होकर न्यूट्रल कहते हैं एटम परमाणु को, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते ही क्लोरीन नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसका ट्रेंड भी आकार के साथ जुड़ा हुआ है, समझ में आती है चीज? धनायन है कि ऋणायन है, ये अपने को ध्यान में रखना है, और उसी से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मानेंगे। फ्लोरीन के सबसे अधिक क्यों है? एक तो एक्सट्रीम लेफ्ट में, राइट में है, छोटा है साइज में, नाभि पे प्रोटॉन की संख्या अधिक है, अष्टक पूरा होने में एक कम है, और आकार भी छोटा है। छोटा आकार है तो मतलब बाहर की जो दूरी है, नाभि से जो दूरी है वो छोटी है, कम है, तो प्रोटॉन की क्षमता बहुत तेज है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। नतीजा ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ग्रैस्प करता है, और इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक है पूरे पीरियोडिक टेबल में 4। ठीक है, ऑक्सीजन की इसके कंपैरिजन में कम है, और जबकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, कहीं भी कोई रिएक्शन अगर लगाना होता है और हमको ये देखना होता है कि ऑक्सीडेशन नहीं हो, क्यों नहीं हो? क्योंकि ऑक्सीजन में पोलैरिटी पावर भी अधिक है, कारण वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की क्षमता अधिक है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है, क्लोरीन नहीं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है। तो फ्लोरीन जहाँ हम हटाते हैं, छोटा आकार है और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोटॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की क्षमता अधिक है। ट्रेंड आकार से संबंधित ये क्लियर हो गया आपको, नॉर्मल वही रहता है, आकार जैसे जैसे छोटा होगा उतनी ही ऊर्जाओं में वृद्धि होगी। ठीक है, ऊर्जा में, बल में, क्योंकि छोटे आकार के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने में भी अपने को पावर ज़्यादा चाहिए, देंगे तो ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी, और अलग करने में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग होगी, जैसा अपना साइज होगा। वर्ग में नीचे जाते हैं तो अधिकतर क्या होता है, आकार चूंकि बड़ा होता जा रहा है तो हमारे क्या क्या में कमी आएगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन डालने में निकली ऊर्जा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आकार जब बड़ा हो गया है तो इतनी दूरी तक नाभि आकर्षण बल अपने ही इलेक्ट्रॉन को पकड़ने में इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, तो दूसरे को कैसे खींच के लाएगा, भले ही उसमें प्रोटॉन संख्या अधिक हो। ठीक है, तो मोटा मोटा ये हमारा एक ट्रेंड है, और इस ट्रेंड को अगर मैं समअप करती हूँ, पीरियोडिक टेबल को एक रफ अगर हम फिर से बनाते हैं, तो जब बनाएंगे तो हमारे पास क्या रहा, मैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अलग से लेती हूँ, लेफ्ट से राइट गए, आकार घटा,
आकार घटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, तो यहाँ तो हमारी इंक्रीज होगी लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे हैं। जब मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ आकार बढ़ रहा है, कम होगी, तो यहाँ कम हो जाएगी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटायनिक यानी धनात्मक कौन हो सकता है विद्युत ऋणात्मकता के आधार पे? प्रश्न समझ में आ गया? नहीं आया, चलो फिर मैं इसको और खुलासा कर देती हूँ। ये तो हमारा लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन रहा। मैं डायगनली देखूँ तो क्या मुझे कोई ट्रेंड दिखता है? मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है। मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो कॉर्नर में क्या हुआ? कॉमन सेंस है, फ्लोरीन कहाँ है? टॉप पे है ना, राइट टॉप। नोबल गैस छोड़ दीजिए एक बार, राइट टॉप हुआ तो फ्लोरीन सबसे अधिक क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम जानते हैं, चार है इसकी वैल्यू, है भी। और डायगनली मैं अगर नीचे जाऊं तो उल्टा क्या होगा? ये अगर ऋणात्मक है तो ये एनायनिक है तो ये कैटायनिक हुआ या नहीं हुआ? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो डायगनल रिलेशनशिप मेरे को समझ में आ गया, सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे, राइट टॉप पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हायर है। थ्योरेटिकली सीजियम का सबसे कम होना चाहिए या ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं क्या बोली हूँ? थ्योरेटिकली समझाती हूँ क्यों नहीं होगा। तो अगर मैं सबसे अधिक आयनिक करेक्टर की बात करूँ तो आयनिक बॉन्ड क्या कहती है? हालांकि हम बंद के टाइम पे भी इसको बात करेंगे, पर ट्रेंड से संबंधित बात है। आयनिक बंद हमारा क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन देने और लेने की क्षमता पूर्ण होनी चाहिए 100%, यही है। मैं अगर कैटायनिक और एनायनिक करेक्टरिस्टिक को देखूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देखूं, तो मेरा सबसे नीचे में सीजियम के बाद क्या है? फ्रेंशियम को ले नहीं सकते, क्यों? खुद ही स्टेबल नहीं है, डिके होता रहता है। तो सीजियम और फ्लोराइड, इन दोनों में सबसे अधिक आयनिक होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे अधिक आयनिक कंपाउंड क्या है? लिथियम फ्लोराइड। कारण बता सकते हो? आकार, ठीक है। तो ये कई बार ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा करके प्रश्न पूछ लेते हैं इसको, क्योंकि हमें जब डायगोनल रिलेशन पता है तो हमारे दिमाग में थ्योरेटिकल कंसेप्ट सबसे पहले आता है कि सीजियम फ्लोराइड ही होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे, वर्ग में नीचे जाएंगे, कैटायनिक करेक्टरिस्टिक बढ़ रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। और ये हम जानते हैं कि सारे आपके मेटल और पॉजिटिव करेक्टर के, यानी जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जिनमें है, वो सब इधर होते हैं और लेने की क्षमता वाले इधर होते हैं। पर लिथियम की कहाँ पोजीशन है? सेकंड में कहाँ? टॉप पे। क्या है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s1, 2s, 1s1 है, 2s1 है। टोटल एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2, 2s1। टॉप पे है आकार इसका, सेकंड वाली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन आपकी नाभि से दूरी आ गया, तो डेफिनेटली क्या होगा? प्रोटॉन की इतनी क्षमता नहीं है कि उसको आराम से ग्रेस्प कर सके, और फ्लोरीन की इतनी क्षमता है कि वो आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सके। तो लिथियम फ्लोराइड आपका सबसे अधिक आयनिक करेक्टरिस्टिक का होगा, ठीक है। क्वेश्चन कई बार इनडायरेक्टली 2-3 ऑप्शन देके और पूछते हैं, तो ये एक ट्रेंड मैं आपको बताना चाह रही थी। ये लास्ट में इसमें आपको सम अप करेंगे, तो ये आपको डायगोनल भी मालूम होना चाहिए इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तत्वों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, कैटायनिक, एनायनिक और घनत्व, डेंसिटी। आयनिक और कैटायनिक और एनायनिक के जो साइज है, ऋणात्मक और ऋणात्मक आयन इसके परमाणुओं के जो साइज हैं आयन के, वो किस तरह से डिफाइन होंगे? जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकालती जाऊंगी साइज छोटा होता जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा संख्या में है, कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, साइज सिकुड़ेगा। तो परमाणु के मुकाबले कैटायन हमेशा छोटे आकार का होगा। अब उसकी पोजीशन कहाँ है वो आपको ध्यान रखना है, ताकि जब कंपैरेटिव, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैं लाई हूँ, जब कंपैरेटिव स्टडी करें तो आपको पीरियोडिक टेबल में उसका मालूम होना चाहिए कि किस तत्व की कहाँ पे इसका स्थिति और कैसे हम बात कर रहे हैं। तो कंपैरेटिवली हम उसको
एक ट्रेंड बना सकते हैं या आंसर कर सकते हैं। उल्टा अगर हम धनायन ऋणायन की बात करें, ऋणायन में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, प्रोटॉन की संख्या कम है, तभी ये नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन की संख्या कम है और वो इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली लूजली बाउंड रहेगा, ढीला रहेगा, क्योंकि अगर मेरे पास मान लीजिए 17 प्रोटॉन थे और मेरे पास 18वां इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 17 तो 17 को तो बहुत अच्छे से बांध सकते थे, पर एक एक्स्ट्रा आने पे साइज में बढ़ोतरी हो गई। तो परमाणु के मुकाबले आकार ऋणायन का हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको ट्रेंड्स। अब नेक्स्ट लीजिएगा, इनकी हम बाद में बात करेंगे। आगे चलो, एक बार क्या अटक गई, क्या हैंग हो गई, क्लिक करो एक और, और क्लिक नहीं करिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। ब्रोमीन परमाणु, इलेक्ट्रॉन लिख दिए इसमें, कुछ क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन लिखे हुए नहीं आते, कुछ में रिवर्स होता है, 35 नंबर दे दिया और आपको पता नहीं है ब्रोमीन है, तो फिर आप ऐसे मारे जाओगे। तो 35 हमें मालूम है कहाँ होना चाहिए, कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे 35? 36 नोबल गैस है, 1-35, तो किससे पहले हुआ, क्रिप्टॉन से पहले हुआ। तो ये जो मैंने आपको टिप दिया था कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के पहले एलिमेंट्स और नोबल गैस, ये बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। तो ब्रोमीन में 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 2p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करता है? बहुत सरल प्रश्न है, स्ट्रक्चर बनाइए आप। हमारा नॉर्मल क्या आता रहता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर क्या आया, तो इसमें कितने हैं, 5, तो बीच में क्या आया, हम इसको अब ड्रॉ करके एक में आपको सरल करके बता देती हूँ। ये पहला वाला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा और चौथा। प्रश्न समझिए, पहले वाले को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले में पी में हमारे पास कितने हैं, 6, तीसरे वाले में पी में कितने हैं, 6, और चौथे वाले में पी में कितने हैं, 5। और चौथा वाला मेरा कब भरा गया, जब मैंने 4s2 भर लिया, तो क्या मैं 4p पे आ रही हूँ? कल परसों तरसों दो तीन दिन से हम बता रहे हैं n-1d भरा जाएगा और n-d हमारा 3d है, और 3d में कितने आ गए, 1 से 10, पॉजिटिविटी क्या बढ़ी, 10। तो क्या रहा न्यूनतम, किस पे रहेगा, 4p पे रहेगा, क्यों, बाह्यतम कक्ष है और साथ में कितने हैं, डी इलेक्ट्रॉन, नहीं 5 के अलावा अंदर कितने डी इलेक्ट्रॉन और आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, अगला प्रश्न लो। और क्लिक नहीं करता। दूसरा प्रश्न भी बहुत सरल है, n=4 से संबंधित कितने उपकोष हैं, कर सकते हो, कितने होंगे, हमने देखा था एल की संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से होती है और कहां तक होती है, तो कितने हुए, उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके लिए ms बराबर -1/2 और n=4 है। तो ये n=4 तो यहां बात कर ली हमने, उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जिसके लिए ms=-1/2 है। प्रश्न पढ़ो ठीक से, क्लिक करो, समझ में आ गया, 16 क्यों नहीं होंगे बताओ, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, जहां n=4 ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 0 किसको डिपिक्ट करता है, s को, p को, d को और f को।
इसको करके देखिएगा, फिर मैं करती हूँ तो आगे अगर पूरा कर लें आज, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी अपने पीरियोडिक टेबल को फिनिश करें। नेक्स्ट लीजिएगा, इसको आप नोट कर लें क्वेश्चन को और इसको करके देखिएगा। अभी मोटा मोटा मैं आवर्त सारणी का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रही हूँ, जस्ट क्वेश्चन नोट करना है, एक क्वेश्चन नोट करना है तो इनको। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, क पार्ट उसको तो नोट ना करें। ख पार्ट में है कि जिसका एन बराबर 4 है और एम एस बराबर -1/2 है, उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। कर लिया, ठीक है। बहुत छोटा सा हल्का सा ट्रिक है इसमें, वो आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला लीजिए, अगली स्लाइड लो, अब इससे अगली स्लाइड ले लो, फटाफट करते हैं इनको। ये एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम पहले जब नोट करते थे तो इसको 1A 2A और इस तरह से देते थे, क्लिक करिएगा। फिर इसको हमने क्लिक कर इसको नोट करना शुरू किया 1 2 3 4। आजकल जो आपकी किताबों में आता है शायद ये 1 1 2 3 13 14 15 इस तरह से आता है। तो जब हम वर्ग संख्या की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो आपकी कुछ पुस्तकों में कॉम्पिटेटिव में भी और जनरल किताबों में भी दिया हुआ है कि जैसे मैंने मान लीजिए थर्ड की बात की, थर्ड बी 3A या 13, ये सब एक ही वर्ग है। कौन से वर्ग की बात कर रही हूँ? बोरोन की, है ना, बोरोन वाला वर्ग है। आप ये नोट करें, सिर्फ इनको डिफाइन करने का लेटेस्ट ये चल रहा है, पहले ये और ये चला करते थे, लेकिन हम बात करें बोरोन की। तो जब मुझे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स बतानी पड़ेंगी, ऑक्सीकारक अवस्थाएं, तो उस ग्रुप की ऑक्सीकारक अवस्थाएं कितनी हो सकती हैं? +3 हो सकती हैं और +1 हो सकती हैं मोटे तौर पे, है ना। तो इसको मैं कैसे निकालती हूँ? वर्ग संख्या माइनस 2 तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो गया, और दूसरा क्या तरीका है आपका? वर्ग संख्या 13 - 10 और 13 - हेलो हेलो, समझ में आ गई ये चीज? समझ में आ गई? पहले हम जब लेते थे इसको वर्ग संख्या 3, तो 3 में वर्ग संख्या बराबर ऑक्सीकारक अवस्था हो गई। वर्ग संख्या -2, कौन से 2? 6s2 वाले या 5s2 वाले? इनर्ट पेयर इफेक्ट की जब हम बात करेंगे थैलियम और इंडियम में, है ना, जिसमें थैलियम में अधिक होगा और इंडियम में थोड़ा कम होता जाएगा। तो ये 2 माइनस किस लिए हुए? इन 2 इलेक्ट्रॉन के अक्रिय प्रभाव के कारण, है ना। तो हम वर्ग संख्या -2 कहेंगे जब मैं ऑक्सीकारक अवस्था 3 ले रही हूँ उस वर्ग की, और अगर मैं उसको -12 या 10 ले रही हूँ तो इसका मतलब मैं नए वाले पद्धति से इसका नॉमनक्लेचर कर रही हूँ, यानी वर्ग किसकी बात करें? 13वें की। तो पुस्तकों में इस चीज़ से आप भ्रमित नहीं होइएगा, मैंने दोनों चीज़ आपको क्लियर कर दी है, क्योंकि जब हमको मेन जब आंसर करना है तो ये मालूम होना चाहिए इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो P1 2s2 और 2p1 कुल कितने हो गए? 3 हो गए, बोरोन में 3 हो गए, और यही आपका 6s2 6p1, लेकिन s2 6 वाले यहाँ काम नहीं ले रहे, तो सिर्फ p1 इलेक्ट्रॉन +1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लीजिएगा, ये खाली इनका आपको इस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए है कि इससे पहले आपके सारे कैटायन यानी मेटल, ये सारे आपके नॉन मेटल, बीच की जो जिगजैग लाइन है ये डिमार्क करना, आपको अलग करना आना चाहिए। कई बार हमको लगता है कि इसमें दिया हुआ पुस्तकों में हमें याद हो जाएगा, प्लीज़ इसको आप एक बार घर में जाके ड्रॉ करके देखिएगा, जिससे दिमाग में हो कि बोरोन हमारा मेटलॉयड में है, बोरोन मेटलॉयड में है, सिलिकॉन मेटलॉयड में है। बोरोन और सिलिकॉन कहाँ है? जिनका हम बाद में विकिरण संबंध भी पढ़ेंगे, बोरोन एल्यूमिनियम कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ठीक है, याद रहेगा। ये कौन सा है? ऑक्सीजन के नीचे जा रहे हैं अपन, क्या आएगा? पोलोनियम, पोलोडियम नहीं, पोलोनियम, ठीक है। ये क्या है? गुड, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ये कौन सा है? बिस्मिथ से ऊपर की बात कर रही हूँ बच्चों, ये कार्बन ग्रुप है, ये नाइट्रोजन ग्रुप है, और ये टिन है आपका, ठीक है। तो ये टिप्स अपने को एक बार पोजीशन इतनी कंठस्थ होनी चाहिए कि खाली ब्लॉक से भी अपने को मालूम चल जाए हम किसकी बात करें। नेक्स्ट लो, आप कई बार आपसे इंडेक्स लेते जाओ, ये तो मैंने क्लियर कर दिया इनको, कई बार हमसे ये चीज पूछ, छोड़ दीजिएगा, ये हमसे पूछा जाता है कि जो मेटलॉइड उप धातु सेमी मेटल्स कौन से हैं। आपको एक
कुछ तत्वों का सिंबल्स दे दिए हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन आपको इन सिंबल्स का दे दिया, एक में हो सकता है एक दो ये वाले नंबर नहीं, एक दो ऐसे धातु नहीं हो, कोई और धातु डाल दिए हो, बी ब्लॉक के डाल दिए हो, एफ ब्लॉक के डाल दिए हो, और अगर हमें इसके तत्वों की पता नहीं होगा कि पोजिशन कहाँ है तो हम आंसर गलत कर देंगे। तो चार ऑप्शन में से जब तक मैं ये कंठस्थ नहीं हूँ कि हाँ मेरे ये सारे धातु हैं जो अभी मैंने आपसे बात की थी, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ ऐसे हैं जो उपधातु में सेमी मेटल्स में आते हैं। और जब हम बोरोन और सिलिकन की प्रॉपर्टी अलग से आगे पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बोरोन चैप्टर में या सिलिकन के चैप्टर में पी ब्लॉक में, तो आपको इसमें डायगोनल रिलेशनशिप भी दिखाई देगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम भी होती है और आउटर जो कक्षक के इनके इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग की प्रवृत्ति होती है वो भी करीब करीब सेम होती है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट ले लो। ये इनर ट्रांजिशंस हैं जिनको बाद में पोजीशन किया गया, यहाँ बैक करिएगा, एक बार बैक करिएगा बस। अगर उसको यहाँ नीचे प्लेस नहीं करते तो हमारी पीरियोडिक टेबल का वर्तमान स्वरूप ये होता, जो याद करना भी संभव नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, याद करने से अधिक, जो मैं आपको एक बहुत बड़ा क्लू दे रही हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद देता है, ये जितना वर्ग है यहाँ से लेकर के पूरा ये एक्चुअली पूरे एक ग्रुप को बिलोंग करता है। अब करिए, स्क्वीज करिए, क्लिक करिएगा। कहाँ पोजीशन था ये? लेंथेनाइड एक्टिनाइड में। और लेंथेनाइड एक्टिनाइड के ऊपर हम क्या देखते हैं? स्टार। हम उसके आगे खाली ब्लॉक में स्टार नहीं देखते हैं, आपने ध्यान दिया होगा है ना, हम कहाँ स्टार देखते हैं? हम यहाँ और यहाँ स्टार देखते हैं। और ये पूरा वर्ग कौन सा है? स्कैंडियम का। तो एक्चुअली स्कैंडियम वाले वर्ग में कितने सारे हो गए? 14, तो ये 14, ये और दो, ये और दो, ये समझ में आ गई। तो ये सारे एक साथ तत्व ऐसे हैं जिनकी एक सी प्रवृत्ति है, और जब हम प्रवृत्ति की बात करें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन या उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक सा होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे समायोजित हैं। तो हम जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की या इसके बाद वालों की, तो हम यहाँ D1 लिख करके 5D1 और उसके बाद हम 4F14 करते हैं, फिर वापस हम 5D2 शुरू करते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा अर्थ है कि स्कैंडियम वाले ग्रुप में ये सारे के सारे समायोजित हैं और इनकी जो वर्ग संख्या है वो तीन ही है। पुरानी पद्धति से लेते हैं तो तीन का मतलब आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इनकी तीन हो चाहिए। स्कैंडियम की क्या है? कैल्शियम हमारा 4s2 खत्म हो गया और 3d1। तो जब हम उनका बॉन्डिंग में देखेंगे तो हम स्कैंडियम में +1 और +3 तीनों लेते हैं। +1 तो d1 का और दो हमारे s के 4s2 के, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ बेटा, नहीं बच्चे धातु में नहीं रखेंगे क्योंकि आपके ये यहाँ सीजियम के बाद क्या है? फ्रेंशियम। और यहाँ के बाद से क्या शुरू होता है आपका? रेडियो एक्टिव। और हमारे ये क्या है? सीजियम से ल्यूटेशियम तक के, सीजियम से ल्यूटेशियम तक के क्या है? इसमें कौन कौन से तत्व हैं जो बहुत रिएक्टिव हैं? क्या नहीं है? लेंथेनाइड के बाद सारे वाले कौन से क्या कहलाते हैं? वो सारे बहुत अधिक रिएक्टिव नहीं, हैवी एलिमेंट्स कहलाते हैं। और हैवी एलिमेंट्स की क्रियाशीलता औरों के मुकाबले कम होती है, कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन कम बिल्कुल हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा जनरल जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी, सीरियम +3 और सीरियम +4 इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में बहुत अधिक काम में लेते हैं। और सीरियम कहाँ है? लेंथेनाइड के बाद पहला एफ एलिमेंट है ना, तो इसकी ये बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे कि हम डी ब्लॉक में लेते हैं KMnO4 का मैग्नीज, लेते हो ना, क्या है ये? मैग्नीज है। और कहाँ है ये? डी ब्लॉक में 25 नंबर सेंटर पे है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बात आ गई तो पूछ लेती हूँ आपसे, +7 का मतलब क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन निकले इसके? पांचों डी निकल गए और एस भी निकल गए, तो बाह्यतम कक्ष तो बिल्कुल साफ। उसका नतीजा क्या हुआ?
आकार छोटा हो गया, अब भी अपन ने बात की थी, और वो इतना छोटा हो गया, आकार छोटा होने के साथ साथ सबसे बाहर वाला चार वाला गया और अंदर वाले में डी कक्षक गया, तो छोटा होने के साथ साथ 7 गुना पॉजिटिविटी हो गई। कोई चीज़ आकार में बहुत छोटी हो और उसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो तो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अधिक सक्रिय हो जाएगा इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। और ऐसा तत्व या ऐसा चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन को बहुत फुर्ती से खींचे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक एजेंट बोलते हो कि नहीं बोलते हो, क्या मतलब हुआ उसका, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले ले, है ना, जो खुद रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस क्यों कहेंगे, कोई चीज़ के अंदर रिडक्शन होना, मीन्स नेगेटिव चीज़ उसने ग्रहण कर ली है, और रिड्यूस होके क्या कोशिश करेगा, स्थायी अवस्था में या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आने की। तो मैग्नीज के पास जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन्स थे, सारे के सारे उसने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अंततः वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज छोटा साइज में हो गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेगा। और जहाँ भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका ही काम में आता। फिर से बोलिए, हर एक से आप निकाल नहीं सकते हो। जैसे एक उदाहरण और देती हूँ मैं आपको, KMnO4 में तो हमें मालूम है आराम से निकलेगा। दूसरा उदाहरण आपका है सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और अगर आपने प्रयोगशाला में प्रयोग किया हो और नाइट्रोजन डिटेक्शन किया हो, नाइट्रोजन तत्व को डिटेक्शन किया है ना आपने, किया है या नहीं किया पहले तो ये बताओ, प्रैक्टिकल नहीं किया, थ्योरेटिकली मालूम है कैसे करते हैं, LS बनाने के बाद की प्रक्रिया बताओ। LS बना लिया, बनाने के बाद क्या डालते हो, क्योंकि बात उठी है इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ। LS के अंदर हम क्या डालते हैं, लेसेजन विलियन बना लिया, फिर क्या डाला, NH4 डाला। बच्चों क्या है, नहीं किया, आता है नहीं आता, क्लियर बताओ, नहीं आता। हम ताज़ा बना हुआ FeSO4 का विलयन लेते हैं, लेते हो, याद आ गया, आ गया, गुड। FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट नहीं लेंगे, फेरस सल्फेट का ताज़ा विलयन लेंगे। ताज़ा भी क्यों लेंगे, वो जब अपन आयरन की बात करेंगे डी ब्लॉक में तब बताऊंगी। ताज़ा विलयन लेने के बाद उसको हम LS में डालते हैं तो हल्का सा काई रंग आता है, हल्का सा काई रंग आता है, नाइट्रोजन की वजह से नहीं आता इस वक्त, इस वक्त आता है आपका FeOH2। ये जो आपका बना है फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस यानी +2, फेरस हाइड्रोक्साइड हल्का हरे से काई से रंग का बनाता है, उसमें आप क्या डालते हो, H2SO4, H2SO4 की या HCl की कंसेंट्रेटेड की कुछ बूंद डालते हो। जैसे ही आप वो डालेंगे उसकी प्रवृत्ति क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, किसमें से निकालेगा, FeOH2, फेरस हाइड्रोक्साइड से, क्या कहाँ से, आयरन से, आयरन कुछ आपका रिड्यूस हो जाएगा तो Fe2 भी है और रिड्यूस होकर Fe3 भी हो गया, और फिर हमारा जो दोबारा हरा रंग आता है हल्का सा गर्म करने पे, वो एक्चुअली आपका होता है पर्शियन ब्लू फेरी फेरोसाइनाइड, Fe+3 भी है इसमें, Fe+2 भी है इसमें, और साइनाइड लिगेंड भी है, और साइनाइड लिगेंड का मतलब नाइट्रोजन, वो आपको पर्शियन ब्लू नीला सा काई सा रंग का देता है, जिस जो आपको कहता है कि हाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, स्ट्रांगली बता सकते हैं। तो यहाँ जो H2SO4 की प्रवृत्ति हुई सल्फ्यूरिक एसिड की, चूँकि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम बाहर से FeCl3 नहीं डाल रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है हमको, हम FeCl3 क्यों लेते हैं, कुछ किताबों में लिखा ज़रूर है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि FeCl3 में Fe+3 स्टेट में है, इसीलिए है ना, ये है ना, यही है, +3 स्टेट में इसलिए ले रहे हैं कि चलो हम Fe+3 डालते हैं इसमें, क्यों डाल रहे हो, आप सल्फ्यूरिक एसिड डालो ना, ऑक्सीकारक है, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो Fe2 को, कुछ Fe2 को 3 में कन्वर्ट कर देगा, और वो 2 और 3 मिला के एक संकुल बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, जो आपका
फेरी फेरोसाइनाइड पर्शियन ब्लू रंग का होगा, जिसमें साइनाइड लिगेंड आपके आयरन टू आयरन थ्री के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर? तो ये ऑक्सीकारक हुआ। हर तत्व को हम इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीकारक नहीं बना सकते, कुछ में संभव नहीं है। आप कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ये संभव है। मैग्नीज में प्रबल संभावना है, क्योंकि इसका डी हाफ फिल स्टेट के है, स्टेट में है, और एस टू आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये कब होता है? जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं। मैग्नीज अकेले नहीं है, है ना? और इसमें एक और केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, जब मैं डी ब्लॉक की बात करेंगे तब करेंगे। इसका रंग कितना होता है? गहरा रंग, गहरा पर्पल। पर्पल बेटा, पर्पल रंग का होता है। और मैग्नीज के दूसरे वाले प्लस टू प्लस फाइव प्लस सेवन वाले हल्के रंग के होते हैं, है ना? तो ये जब हम वो बात करेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। पर ये चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, कौन सा यौगिक बनाओ, उसका क्या रंग आएगा। आगे चले, ये मैंने आपको जो याद करने के लिए कहा था टिप, कि हमारे सारे अल्कली एलिमेंट्स का मुझे अच्छे से याद होना चाहिए। पहली रो मैंने ले ली है, पहला वाला वर्ग पूरा का पूरा। हाइड्रोजन हम यहाँ इसलिए प्लेस कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की प्लेसमेंट दूसरी जगह भी हम मान के चलते हैं। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम को हम मान रहे हैं कि रेडियो एक्टिव है, पर चूंकि इसमें सेवन ग्रुप में है तो हम ये यहाँ पे इसको प्लेस करके यूज करते हैं। नेक्स्ट लीजिएगा। और फिर हमारी बात आती है जीरो या नोबल गैस की, और पूरी पीरियोडिक टेबल आपकी इसी में समाहित है। यहाँ से शुरू होती है आपकी, यहाँ से शुरू होती है, और एक पूरा का पूरा यहाँ ख़त्म होकर दोबारा यहाँ शुरू होता है। और अगर मुझे वो पोजीशन ध्यान है, नोबल गैस कौन सा है ये ध्यान है, उसका एटॉमिक नंबर समेत, तो 100% मैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिना जिगजैग के आराम से लिख सकती हूँ, और काफ़ी हद तक उसकी क्रियाशीलता या प्रॉपर्टी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंकित कर सकते हैं। कुछ कुछ एनामलीज हैं उनको छोड़ के। आगे चलिएगा, आगे चलो, ये अपन काफ़ी बात कर चुके हैं। इतना इतना सारा क्लिक नहीं करना था, कोई बात नहीं। पहला लो, पहला लो। ये शायद हैंग हो रहा है आपका, इसमें ना हैंग हो रहा है ना। चलिए, मैं जो उदाहरण देना चाह रही थी इसमें, चलो उन्होंने पूरा बता दिया। हम बात कर रहे थे टिन की, है ना? और टिन की कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब निकल गया। तो टिन कहाँ है हमारा? लेड के ऊपर है, है ना? तो लेड के ऊपर है और कार्बन के ग्रुप में, तो ये तो मुझे पता है इसके बाहर वाली कॉन्फ़िगरेशन P2 होनी चाहिए। और लेड हमारा मालूम है कि 6s2 6p2 है, बीच वाले n-1 n-2 को नहीं बोल रही हूँ, आउटर मोस्ट बोल रही हूँ। तो ये मुझे जब पता है कि 6 वाला लेड है और लेड से ठीक ऊपर है, तो फिफ्थ ऑर्बिटल है, 5s2 5p2 होना चाहिए। 5-1 4d 10 होने चाहिए। 5-2 3f नहीं होता है, मान लो किसी तरह कन्फ्यूजन हो तो हम चेक कर सकते हैं। इससे जस्ट पहले हमारे पास कौन सा है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। क्रिप्टन और क्रिप्टन का कितना है एटॉमिक नंबर? 36। तो 36, और अगर टिन का मुझे एटॉमिक नंबर नहीं भी ध्यान, तो मुझे पता है 36 के बाद दो तो हमारे s2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जो कि आपके 5s2 होंगे। फिर 5p में दो आएंगे, क्योंकि कार्बन है, कार्बन के ग्रुप का है ये, और p और s के बीच में मुझे पता है d तत्व है, तो n-1 4d 10 आएंगे। अब मैं उनको काउंट करके चेक कर सकती हूँ कि वो सही है नहीं। फिर एक तरीका है, 1050 आने के बाद मुझे पता है इसके बाद 1 2 3 4 चौथा वाला नोबल गैस होगा, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कितना आएगा। 54वां कौन सा होता है? ज़ेनॉन। क्रॉस चेक हो गया, कहीं हमने ज़िगज़ैग नहीं किया, कहीं कुछ ड्रॉ नहीं किया, सीधे एलिमेंट को पकड़ा, क्लिक हुआ कि ये एलिमेंट की पोजीशन, एटलीस्ट वर्क पता है मुझे, एटॉमिक नंबर पता है, पीरियड पता है, और कैसे हमको भरना है ये मालूम है। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए मैंने इसका एक उदाहरण लिया था, कि कहीं से भी कोई हम एक एलिमेंट उठाते हैं और मुझे उसकी पोजीशन पता है, फिलिंग वाला पैटर्न पता है कि किसकी हायर एनर्जी है और किसकी लोअर एनर्जी है n+l रूल से, तो मैं इसको आराम से कर सकती हूँ। नेक्स्ट लीजिएगा। ये सब हम बात कर चुके हैं आपसे, सारी चीज़ें एक्सेप्ट डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप को जो हम पी ब्लॉक में अलग से लेंगे या एस ब्लॉक को पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, अक्रिय युग्म प्रभाव पढ़ा चुकी हूँ मैं, लेंथेनाइड और संक्रमण और एक्टिनाइड, इसका ट्रांजिशन और लेंथेनाइड संक्रमण संकुचन में बता चुकी हूँ, दोनों का मैं कंट्रैक्शन बता चुकी हूँ, इनका प्रभाव बता चुकी हूँ, है ना? ये इन चीज़ों में, यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है तो अपन फटाफट बात कर लेते हैं।
क्योंकि फिर इस पे ही आधारित सारी चीज़ें हमारी आगे चलेंगी। भले ही हम पीरियोडिक टेबल पे एक दिन एक्स्ट्रा और लगा लें, पर कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। अगर मुझे ट्रेंड का कहीं कन्फ्यूजन है कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, इनर्ट पेयर की वजह से क्या होता है, इनर्ट पेयर क्या होता है, उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, ट्रांजिशन संकुचन क्या होता है, उस संक्रमण संकुचन उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये नहीं आया हो, लेंथेनाइड का संकुचन और उसकी वजह से प्रभाव ये नहीं आया हो, डायगोनल रिलेशनशिप छोड़ के बाकी जो चीज़ें हमें नहीं आई तो अपन एक बार चर्चा कर सकते हैं। लास्ट में कुछ प्रॉब्लम, चलिए फिर आगे चलते हैं। इसको प्रॉपर्टी सब क्लियर है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लियर है? हाँ या ना? चुप्पी नहीं होती है। चलिए आगे चलिए। त्रिज्या का आकार हमें मालूम है, इसको मैं वेव ऑफ कर रही हूँ क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आती हैं। आगे चलिएगा, ये मैं बता चुकी हूँ, आगे चलिए, स्किप करते जाएं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। एक बार पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो, एक और पीछे, ये भी चलिए आप, ये भी हम बात कर चुके हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं, है ना? यहाँ रुक जाइएगा एक बार। त्रिज्या के आकार की अपन जैसे बात कर चुके हैं, वर्क, जब मैं आवर्त दो की बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में आना चाहिए मेरा एन इज इक्वल टू टू है। मैंने लिथियम से शुरुआत की, फ्लोरीन पे ख़त्म किया, यहाँ से बोरोन से मेरा पहला पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी शुरू हो गया। लेकिन जैसे मैं एल्यूमिनियम से शुरू करूँगी, मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इससे पहले यहाँ कुछ और होना चाहिए, क्या? 3D0 होना चाहिए ना, यानी कि थर्ड शेल में मैं आ गई हूँ। देखो आप, तीसरा आवर्त है और तीसरे आवर्त में 3D0 होता है। मैंने क्यों बोला जीरो? क्योंकि जब मैं आगे चल के नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगी तो एक उदाहरण आपका आएगा, PCl5 होता है, NCl5 नहीं होता है। तो ये चीजें हमारी तुरंत लिंक चलने चाहिए कि तीसरे आवर्त की बात कर रही हूं तो 3D0 है, इसका मतलब फोर्थ में आते ही 3D10 भरेगा, है ना? ये वर्ग की हमने ले लिया कंपेरिजन, ठीक है? एक्सट्रीम में मैंने पहला वर्ग ले लिया और जहां नोबल गैस से एक ठीक पहले ले लिया, यानी कैटायन भी ले लिए और एनायन भी ले लिए, और इन दोनों में आप देखिए अंतर, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है, क्लियर कट पता चल रहा है, 152 से शुरुआत की 64 पे आ गए। हर वर्ग में, हर पीरियड में यही चला रहा है, ठीक है? तो ये जो डाटा मैंने आपकी किताबों से लिया है, पर सिर्फ एक मोटा कंसेप्ट तैयार करने के लिए कि जो हम बात करते आ रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, घट रहा है, स्लोली घटा हुआ देखते हैं तो कई बार क्लिक नहीं करता। फर्स्ट वाले रो में आपको एकदम क्लिक नहीं करेगा, नीचे में क्लियर कट दिख रहा है आपको, 152 से 64 आ गए। लिथियम वाली रो में ही चल रहे हैं हम, फ्लोरीन तक पहुंच गए हैं, है ना? नेक्स्ट लीजिएगा। ये कंपैरिजंस हैं आपके जो मैं अभी तक आपसे बात कर रही थी, सोडियम मैग्नीशियम नियन, सोडियम और मैग्नीशियम आयन जो मैंने आपसे अभी बात की थी। सोडियम में आपका 3s1 बाह्यतम है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है 11 में से, 10 इलेक्ट्रॉन क्या हमारा ये साइज, लुक एट द साइज, 186 एंड 95, है ना? यहां भी मेरी यही बात है, मैग्नीशियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि 3s2 है, 160 से 65। नियन मैंने बीच में इसलिए लिया है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ नोबल गैस से तो मुझे मालूम है कि नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन आपकी नोबल गैस ऐसी है। नियॉन कितना है? 10, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या रहा? पर साइज का डिफरेंस देखो, है ना? यही चीज यहां पे है, दो इलेक्ट्रॉन निकलते 10, लेकिन साइज का डिफरेंस 150 एंड 65। तो जो हम बात कर रहे हैं कि धनायन जितने भी होते हैं कैटायंस, दे आर स्मॉलर इन साइज, वो इस पिक्टोरियल डायग्राम से हमारा एक दिमाग में इमेज बैठ जाती है कि क्यों छोटा हो गया। आगे चले, ऐसे ही मैंने क्लोराइड का एनायंस का लिया हुआ है, नीचे क्लोरीन है, न्यूट्रल रिवर्स कर दिया, ये न्यूट्रल है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ, फिर हम कंपैरिजन कर रहे हैं नियॉन से और हमारे पास साइज देखिए 181 99 से 181 पहुंच गया, बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड, तो प्रोटॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उतना स्ट्रांग नहीं है और आकार में वृद्धि हुई। यही चीज़ आपकी इसमें है, फ्लोरीन में 64 से 136, ठीक है? तो जितने रेनायन होते हैं, एनायंस होते हैं, दे आर लार्जर इन साइज। आगे चलें, ये हम बात कर चुके हैं बहुत सारी, आगे चलिए इसको भी निकाल दीजिए। ये इसके डाटा दिए हुए हैं जो मैं आपसे बात कर रही थी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी,
इनके संबंधित जो हमने बात की इतनी सारी, यहाँ कुछ डाटा है फ्लोरीन वाले वर्ग की यानी हैलोजन्स की। सबसे इसका स्ट्रॉन्ग है तो -32, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं इसमें एक बार इंक्रीज होकर घटता है, ये ट्रेंड इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है एंथैल्पी फ्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन की कुछ ज़्यादा होती है, -329 की बजाय, उसका कारण क्या है? चार्ज डेंसिटी। फ्लोरीन बहुत छोटे साइज का है और उस पर चार्ज डेंसिटी अधिक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन डालने या निकालने में हमारे पास जो ऊर्जा निकलेगी या लगेगी वो क्लोरीन के मुकाबले कम ज़्यादा होगी, कम होगी। हाँ जी, क्या फिर से बोलो। करेंगे ही, क्लोरीन क्लोरीन के अंदर भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, फ्लोरीन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब मैं प्रोपोर्शनेटली न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देख रही हूँ, उतना ही प्रोपोर्शन में क्लोरीन में बढ़ा है और उतने ही नंबर पे जा रहा है। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो मेरे जो बीच के वो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रतिकर्षण की बात कर रहे हो ना, उसी की बात कर रहे हो, लेकिन चार्ज डेंसिटी तो कम हो गया ना फ्लोरीन के मुकाबले। फ्लोरीन तो बहुत छोटा है, अभी हमने इससे पहली वाला स्लाइड लो, इससे पहली लो, ये अभी हमने देखा फ्लोरीन का आकार। और इलेक्ट्रॉन की अगर आप दोनों को यहीं कंपेयर कर लीजिए ना, दोनों में हमारे पास क्या है, P5 configuration, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, 5, 6, 7, 8। S2, ये बीच के यही तो इलेक्ट्रॉन अधिक हैं अपने, उतने ही प्रोटॉन बढ़े होंगे लेकिन आकार उसके मुकाबले ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी जब हम स्प्रेड करते हैं आकार पे चार्ज डेंसिटी, तो उसका फर्क, रेशो फर्क आएगा। आगे चलिए, इससे आगे यही चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डाटा देके आपको बताया, जो मैं आपके बात कर रही थी अभी सीजियम की, 0.7, यानी जब इतनी कम है तो इसको मैं पॉजिटिविटी में मान रही हूँ, मोस्ट पॉजिटिव कैटायन है ना। फ्लोरीन का 4 सबसे अधिक और सबसे कम। जो जो थ्योरेटिकल की बात कर रहे थे हम कि जब डाटा बेस हम बात करते हैं तो सीजियम का 0.7 है और फ्लोरीन का 4 है, तो कायदे से दोनों सबसे अधिक आयनिक होने चाहिए। पर वही बात कि इसमें हम जब देखते हैं तो लिथियम के साथ जो फ्लोरीन का कंपाउंड बनता है वो आपका सबसे अधिक आयनिक होता है, ऑलमोस्ट 100% आयनिक, एग्जैक्टली नहीं ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ भी चीज़ हमारी प्रैक्टिकली 100% नहीं होती है। नेक्स्ट चलिएगा, ये ओवरऑल आपका ट्रेंड है जो अब तक हमने पूरे विस्तार से इसको चर्चा किया है। सबसे पहले हम अगर आकार की बात करें, परमाणु त्रिज्या रिवर्स में बढ़ रही है। अभी तक हम जैसे बोलने में कर रहे थे लेफ्ट टू राइट घट रही है, मैंने एरो से इंडिकेट किया है कि अगर मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगी तो बढ़ रही है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता इसकी विपरीत होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे आकार आपका छोटा होता जा रहा है विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जा रही है ना। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं लेफ्ट राइट इलेक्ट्रॉन लब्धि देखूं और आयनन विभव, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव, जैसे जैसे आकार छोटा होगा वैसे वैसे बढ़ेगी ऊर्जा लगनी या निकलनी बढ़ेगी। यही अगर मैं आकार के साथ इसको कोरिलेशन करती हूँ, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आकार बढ़ रहा है, लब्धि घटनी चाहिए, ऋणात्मकता घटनी चाहिए, ये सब उसी ट्रेंड में है। ये ब्रॉडर रूप में पूरे पीरियोडिक टेबल का है। कमियां या चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे, जहां जहां हमारा डी ब्लॉक का एंट्री हो रही है, फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की एंट्री हो रही है। एक्टिनाइड को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं तो उनका कोई इस क्रियाओं में इतना भागीदारी नहीं रहती, पर जहां ट्रांजिशन है और लेंथेनाइड्स हैं वहां इनके फर्क आना शुरू होता है। तीसरा फर्क आता है जहां इनर्ट पेयर इफेक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से एंड है इस स्लाइड का। एक क्वेश्चन ये और है, बहुत सिंपल है ये भी, जो मैं अभी तक आपको आवर्त सारणियों के बारे में, चेंजेस के बारे में बता रही थी, जहां जाना चाहिए द्वितीय आवर्त के तत्वों में वास्तविक आयनन एंथैल्पी का क्रम ये होना चाहिए। मैंने एलिमेंट लिख दिए, कुछ प्रश्नों में एलिमेंट लिखे हुए नहीं आते हैं, तो जब द्वितीय आवर्त की बात करें तो मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए मैं लिथियम की बात कर रही हूँ। लिथियम वाला ग्रुप जो कहाँ खत्म होता है, नियॉन पे, फ्लोरीन और नियॉन पे, तो वो सारा मुझे याद होना चाहिए, ये क्रम होना चाहिए। व्याख्या कीजिए
बेरिलियम की एंथैल्पी बोरोन से अधिक क्यों है? लिथियम के बाद बेरिलियम आना चाहिए था, मैंने लिखा है बोरोन। चेंज देख लिया? भाई सबसे पहले लिथियम लिखते हैं, एक पॉइंट पहले चलो, एक स्लाइड पहले। हाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अब आगे आइए। और यहाँ क्या है? लिथियम और बोरोन है, फिर बेरिलियम है, कार्बन, कार्बन के बाद क्या आना चाहिए था? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो कुछ कुछ उल्टा पुल्टा है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, बेरिलियम की बोरोन से अधिक क्यों, और हम बात कर रहे हैं आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी हुई ऊर्जा। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? P1। बेटा ये तुम्हारी किताबों से ही है क्वेश्चन, सिर्फ समझाने की दृष्टि से लाई हूँ मैं यहाँ पे। बोरोन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? और वैसे ये स्लाइड्स आपके साइट पे भी डाल दी जाएंगी, साइट पे डलेंगी ना स्लाइड्स, तो आप वहाँ से भी इन प्रश्नों को ले सकते हैं। एक समझाने की दृष्टि से मैंने प्रश्न लिया है ताकि आपको एक्सप्लेन करना आए कि क्या है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये है ठीक है। और जो मेरा ट्रेंड है वो कहता है लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही है ना, इसी क्रम में है। अब ये बीच में डिप क्यों आ गया, ये यहाँ से यहाँ क्यों आ गया? सीधी सी बात है, इसका P1 है। हमें क्या ऊर्जा लगानी है इलेक्ट्रॉन को निकालने की? तो जो एक अकेला होगा तो डेफिनेटली उसको हम आराम से कर सकते हैं, और इसलिए हम कहते भी हैं एक साथ रहा करो, एकता में शक्ति होती है, बोलते हैं ना, बचपन में सुना होगा लकड़ के गट्ठड़ वाली कहानी, कि एक अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है और गट्ठड़ में रहती है तो वो टूटना संभव नहीं है। तो यहाँ भी वही लागू है, एक इलेक्ट्रॉन है आसानी से निकाला जा सकता है, बेरिलियम के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसके प्रचक्रण कैंसिल है, स्थायी अवस्था है। किसी भी स्थायी अवस्था में से चीज को निकालने में हमें अधिक ऊर्जा चाहिएगी, क्लियर। दूसरा डिप हमारा कहाँ आया? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन तक तो हम ठीक हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आके गड़बड़ हो गया। यहाँ सिंपल सी बात है, जो मैंने दूसरा प्रश्न भी लिया है, कार्बन की नाइट्रोजन और फ्लोरीन से कम क्यों, सॉरी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन और फ्लोरीन से कम क्यों? ऑक्सीजन में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1, 2, 3 और 4। पी कितनी है? 4। नाइट्रोजन की क्या है? P3। 1, 2, 3। अर्धपूरित है, और यहाँ जो अगर गौर करो तो ये पेड़ है। अब आप कहोगे पेड़ में से आराम से कैसे निकला? सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन निकालते मुझे अर्धपूरित अवस्था मिल रही है जो कि अधिक स्थायी है। तो किसी चीज को निकाल के अगर मैं अधिक स्थायी अवस्था ले रही हूँ तो मेरे लिए कम ऊर्जा लगेगी इसमें, ठीक है। लास्ट वाला प्रश्न वही जो हमारे पहले हम बात कर रहे थे कि गैलियम की एल्यूमिनियम से अधिक क्यों है। यहाँ वो ट्रेंड नहीं दिया हुआ ऊपर मैंने, पर अगर मैं देखती हूँ उसको, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, गैलियम की एल्यूमिनियम से अधिक क्यों है? नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है? डाउन द ग्रुप जाएंगे आकार बढ़ेगा और ऊर्जा कम लगनी चाहिए, पर यहाँ कहता है कि गैलियम की एल्यूमिनियम से अधिक है। क्यों? क्योंकि आकार बराबर है। क्यों आकार बराबर है? क्योंकि उससे पहले डी कक्षकों की भर्ती है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। तो ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर हम इस तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं। आगे चलिएगा, कुछ मैं प्रश्न लाई हूँ, जब तक आपके फिजिक्स वाले टीचर आते हैं तो मैं आपको बोर्ड पे पूछ लेती हूँ ताकि हम समझ सकें कि अब पीरियडिक टेबल का ओवरऑल पढ़ पाएं कि नहीं। मैं आपको क्वांटम नंबर्स का सेट लिखूंगी, उसमें आपको ये बताना है कि किस इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा होगी। N बराबर 4, L बराबर 0, एक सेट ये है। N बराबर 4, L बराबर 1, दूसरा सेट ये है। N बराबर 3, L बराबर 2, तीसरा सेट ये है। और चौथा है N बराबर 3, L बराबर 1। इन सब में से जो कौन से, किस वाले का इलेक्ट्रॉन का, इन चारों क्वांटम नंबर्स में से कौन से इलेक्ट्रॉन की लोएस्ट एनर्जी होगी? प्रश्न समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका क्वांटम संख्या से दर्शाया गया है,
ठीक है। एन बराबर फोर में हम एल जिसका जीरो है यानी एस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इन चारों सेट वाले इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग हैं ये, इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए? क्यों? सोच के उत्तर देना बच्चों, बहुत सरल सा है। फोर की आएगी, एल बराबर वन है, जीरो वन। थ्री में डी कहाँ है बेटा? थ्री में डी कहाँ हुए? एन जब थ्री हुआ तो डी तो जीरो हो गया। अब भी मैंने तुमको जो बोलते वक्त टिप्स दिए थे कि जब मैं तृतीय, एन बराबर तीन का मतलब क्या, तृतीय आवर्त सारणी। बेटा एक बार वो पीरियोडिक टेबल वाली लास्ट स्लाइड लगा दो एक सेकंड के लिए, ताकि ऐसे प्रश्नों को मैं यहाँ हल कर सकूँ। हाथ के हाथ सारी हटा दीजिए, चलिए निकाल लीजिएगा। जब हम तृतीय आवर्त सारणी में जा रहे हैं, ये तो चौथा है ना, एस तो हो ही नहीं सकती, ओवररूल्ड, ये तो हो ही नहीं सकता। ये चौथा में पी चेक कर लेते हैं, बाकी ये तीन दो, तीन के अंदर हमारी क्या आएगी आखिरी वाली, डी जीरो। और डी जीरो है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, जीरो के इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो उसको हम कैसे बिना इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या कैसे दर्शाएंगे? अब बचाइए इसमें क्या आता है हमारा, है ना, बस पीरियोडिक टेबल सबसे आखिर में ही था, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप ले आए तो वहां लगा दें। समझ में आ गया? तो जब मैं, ये कब संभव था? जब मेरा n बराबर फोर होता है ना, इसलिए। तो चूंकि इसमें सबसे आखिरी स्लाइड ही थी, कोई बात नहीं छोड़ दीजिए। समझ में आ गया प्रश्न? इस तरह के कई क्वांटम संख्या वाले प्रश्न हैं, ये क्वांटम नंबर्स को डिफाइन करते हुए कि सिंबल्स आपको दे दिए और आपको बताना हो कि इनमें से अधिक ऊर्जा वाला, कम ऊर्जा वाला, एग्जिस्टेंस वाला, कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। एक प्रश्न और है, एटॉमिक नंबर 63 दिया हुआ है, ठीक है। इस एटम को, ये वाला परमाणु जिसकी एटॉमिक संख्या 63 है, इसको स्थायी यौगिक बनाने के लिए कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करनी है? तो कुल मिला के प्रश्न को अगर मैं सीधा करूं, सीधा सीधा मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। अब आपको तत्व पता नहीं है तो आप तत्व निकाल सकते हो? बच्चे इतनी हड़बड़ी में गलत आंसर नहीं दो। 63वां नंबर है नोबल गैस, नोबल गैस का अगर मैं देखती हूँ, इसको बंद करो एक बार, बंद करो बस। नोबल गैस में मेरे पास कहाँ तक आते हैं? 54 कौन सा है? 54, 63 में से 54 माइनस कर दो, उनको स्प्रेड करो, तो क्या आएगा? S2 वाले दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक D1 का इलेक्ट्रॉन निकल गया, अभी मैंने ये टिप दी थी आपको। फिर मेरे F वाले भरे जाएंगे, तो भरते भरते कहाँ तक आएंगे वो आप बताइए मेरे को। नाम याद नहीं है तो इतना बता दीजिए कि F में इतना वा नंबर था। नहीं समझ में आया? 63 में मेरे पास ये तो ज़ेनन हो गया, 63 में से मैं अगर ये माइनस करती हूँ, या सिंपल और कर लीजिए, प्लस दो इलेक्ट्रॉन में डालती हूँ इसके, प्लस दो इलेक्ट्रॉन, 56वां नंबर आ गया, जहाँ मैं अल्कली वाले मेटल भर चुकी हूँ, है ना, वो तत्व भर दिए। अब मेरे पास कितने बचे? 63 लेस 56, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। एक मेरा डी में 6 बचे, तो मेरे F के अंदर 6th वाला एलिमेंट होना चाहिए। और 6th वाले एलिमेंट को अगर मैं देखती हूँ, पीरियोडिक टेबल खोलिएगा, क्योंकि तुम्हें याद नहीं है, कौन सा? EU।
क्या कहते हैं यू को? सीरियम, प्रेसिडोमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम। यूरोप से यूरोपियम। एक छोटा सी चीज यहां भी समझा दूं आपको, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब का जो नॉमनक्लेचर है, या तो शहर के ऊपर है, किसी देश या शहर के ऊपर, या किसी साइंटिस्ट के ऊपर है अधिकतर, है ना। तो ये जब हम देखते हैं तो यूरोपियम यूरोप, उससे आप कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कॉन्फ़िगरेशन आपका, यहाँ डी टू और एफ फाइव है, फोर है, ध्यान नहीं आ रहा। ये वाली चीज़ जो है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से थोड़ी सी हायर है कि डी में वन की जगह हम क्यों टू इंडिकेट करते हैं। पर जब हम डी ब्लॉक पर पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगी कि वो स्पेटियल स्पेस में जो आपका एफ ब्लॉक का ऑर्बिटल है वो इतना स्प्रेड होता है कि डी के इलेक्ट्रॉन भी इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो टेक्निकल चीज़ें वो आपको बाद में बताएंगे, तो फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिएगा ये आपका सिक्स एलिमेंट आ गया। और हमने शुरुआत कहाँ से की थी? 54 से। 54 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जोड़े सीजियम और बेरियम के, सिक्स में आ गए हम। और सिक्स में आने के बाद मुझे पता है एक डी इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर हमारे एफ के ये आएंगे, ठीक है। तो हम आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मुख्य बात, मैंने पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट, आपने पांच क्यों कहा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट? थोड़ा टाइम पहले मैंने एक आपको लंबी सी पीरियोडिक टेबल दिखा के इसको स्क्वीज की थी, क्या कहते हुए स्क्वीज की थी, क्या कहते हुए की थी कि ये सारे तत्व आपके जो स्टार हैं वहां आते हैं, जब वहां आते हैं तो ऑब्वियस है, मालूम अंडरस्टूड है कि जो ऊपर वाला ग्रुप संख्या होगी वही तो नीचे वालों की होगी, तो तीन हुई कि नहीं हुई। तो एग्जामिनर सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि आपको पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है, कि जो प्रेजेंट में मेंडेलीव की लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसने छोटा सा एक उदाहरण ले लिया, कहीं से भी उठा के उसको पूछ लिया। और अगर मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन के साथ देखना चाहूँ तो मैं तो उसमें उलझ जाऊँ। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल लेके और पिक करके पूछा कि भाई आपको अगर पोजिशन पता है तत्व की कि नहीं एक्चुअली ये यहाँ पे है, तो आप सीधे सीधे बिना देखे कि डी ब्लॉक का एफ ब्लॉक का डालो प्लस थ्री, छोड़ो, विद इन वन सेकेंड काम पूरा हुआ। डेफिनेटली स्टेबल स्टेट बोला है ना आपको, और भी अवस्थाएं होती हैं, ये सब वेरिएबल स्टेट्स में आती हैं, डी वाले एफ वाले सारे वेरिएबल में आते हैं। और डी तत्वों को जब आप पढ़ोगे तो देखोगे पिरामिडल शेप में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आप प्लस वन प्लस टू से शुरू करते हो, प्लस सेवन मैगनीज तक आते हो, फिर वापस घटनी शुरू होती है जिससे जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर उठते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन स्टेबल वही होगी जो वर्ग संख्या होगी, बाकी सब एग्जिस्ट करती हैं पर वो अनस्टेबल स्टेट हैं, दे ट्राई टू शिफ्ट टू दी स्टेबल स्टेट। मैग्नीज आपका KMnO4 में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोशिश उसकी यही रहती है कि दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूस, खुद को रिड्यूस करे और लो स्टेट में आ जाए। एक प्रश्न और चलिए पूछ लेते हैं। बेरिलियम लिया है अपन ने, और जैसे हम बेरिलियम बोलते हैं हमें क्लिक करना चाहिए S2 कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ठीक है, और इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसके चारों क्वांटम संख्याओं को मैं NLMS उसी क्रम में लिख रही हूं, और आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही है। ये N है, L है, M है और ये MS है। N, L, M और MS इसी क्रम में मैं सारे लिख रही हूँ। ठीक है, तीन चार ऑप्शन दूंगी मैं आपको, एक ऑप्शन ये है, दूसरा है वन 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 हाफ, तीसरा है टू जीरो जीरो माइनस हाफ, और चौथा है टू वन जीरो और हाफ। क्लियर है सबको, पढ़ने में आ रहा है? बड़ा बड़ा लिखूं, बड़ा कर दूं? पहला ऑप्शन है वन जीरो वन प्लस हाफ, वन 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 हाफ,
टू जीरो जीरो माइनस हाफ, टू वन जीरो हाफ, बेरिलियम का चौथा इलेक्ट्रॉन का रहेगा तो एक ही। अब डिसाइड आप कर लो दोनों में से कौन से सही है। फोर्थ क्यों रहेगा बेटा? मैं चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं बेटा। जब चौथे इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी तो मेरा सबसे पहले इसमें से ढूंढना चाहिए कि माइनस हाफ कौन सा है ना। फिर माइनस हाफ ढूंढने के बाद मैं चेक करूं कि बाकी दो सही हैं, बाकी तीन सही दिए हैं। यदि वो तीनों चीज़ सही हैं औरों के साथ मैच नहीं कर रहे तो 100% सही है आंसर। समझ में आ गया? ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी ना बेटा मैंने, ठीक है। एन बराबर दो, एन बराबर दो, एल आपका जीरो, हम एस की बात कर रहे हैं, एम एस आपका जीरो, आपका संख्या कितनी होती है 2L+1 है ना टोटल, और उसमें जीरो है ये। और फिर फोर्थ की हम बात कर रहे हैं स्पिन, तो अगर मेरी एक प्लस हाफ है तो दूसरी माइनस हाफ है, क्योंकि दोनों पेयर्ड हैं तो प्लस को हम पहले लेते हैं माइनस को बाद लेते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज दिखाया गया, तो सीधी से ये हो गया है ना। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। आपके पास नाइट्रोजन का क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? आ गया समझ में? आ गया? प्रश्न को बिना समझे नहीं छोड़ना, आपके सर कब आएंगे? फिजिक्स वाले सर कब आएंगे? मैं निकलूंगी। हमारे पास नाइट्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन गए, ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन गए, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा है इनकी आयनिक त्रिज्या, चार ऑप्शन में आपको दे रही हूं, 1.36, 1.40, 1.71, 1.36, 1.71, 1.40, 1.71, 1.40, 1.36, 1.71, 1.36 और 1.40। इन चारों में से कौन सा वाला उत्तर सही है? ट्रेंड ध्यान रखिए और आयनिक की बात कर रहे हैं। क्लियर? सबको क्लियर है? तो बहुत सरल है, हमको सिर्फ दो चीज देखनी है। पहले तो इसकी सीक्वेंस देखनी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है पहली बात। फिर देखना आयन्स हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे डलेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, पर एक डिक्रीज हो रहा है और एक बढ़ रहा है तो ट्रेंड तो वही रहेगा। तो हमारा सबसे अधिक नाइट्रोजन का, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। अगर यहाँ कहीं उल्टा पुल्टा होता, ऑक्सीजन माइनस वन होता है या नाइट्रोजन माइनस वन होता तो आकार में ट्रेंड में फर्क आ जाता, ठीक। तो चलिए कुछ और प्रश्न थे, अगली बार पूछेंगे। चलिए एक लास्ट और पूछ लेती हूँ, इसलिए पूछ लेती हूँ कि उससे रिलेटेड एक टिप है जो हम आगे जब IUPAC नॉमनक्लेचर करेंगे यौगिकों का, तो यहाँ आपको एक क्लियर बन जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है Cl2O, Cl2O है, इसको IUPAC के अकॉर्डिंग नॉमनक्लेचर करना है, ठीक है। मैं लिखने की बजाय बोल दूं, पहला नॉमनक्लेचर है ऑक्सीजन क्लोराइड, ठीक है। दूसरा
मैं बोल रही हूँ, फिर आप बताइएगा। दूसरा है क्लोरो ऑक्साइड, क्लोरो ऑक्साइड। तीसरा है ऑक्सी क्लोराइड, ऑक्सी क्लोराइड। चौथा है क्लोरीन ऑक्साइड। अब मैं एक छोटा सा आपको टिप दे देती हूँ, मैं आंसर बता देती हूँ। क्लोरीन ऑक्साइड है ना, और यहाँ मैं आपको क्लोरीन ऑक्साइड सही है। और एक छोटी सी बात है, जब हम KCl लिखते हैं, NaCl लिखते हैं, समझो इस चीज को, कैसे बोलते हो आप? सोडियम पोटेशियम। क्या आप सोडो बोलते हो? फर्क क्या है? देखो ये चीज हमको क्लियर कट इसलिए पता है कि सोडियम और पोटेशियम पॉजिटिव है ना, और क्लोरीन नेगेटिव है इसके कंपैरिजन में। यहाँ आपके दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन जब कंपैरेटिव लेते हैं तो क्लोरीन ऑक्सीजन के मुकाबले कम विद्युत ऋणात्मक है, तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाता है। जो मैं बात बताना चाह रही हूँ बहुत गंभीर है, और आपके ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमनक्लेचर में बहुत मदद करेगी, और अदर सभी IUPAC के सभी नॉमनक्लेचर में। तो जब हम इनको कभी भी कोई कंपाउंड लिखा हो उसको आप स्प्लिट करके देखिए, पहला वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव। फंडामेंटल रूल है पॉजिटिव धनायन फॉलोड बाय कैटायन, सॉरी एनायन, नेगेटिव ऋणायन से। तो पॉजिटिव हमेशा पहले आएगा, नेगेटिव बाद में आएगा, चाहे वो कंपैरेटिव ही हो। तो ये मेरा यहाँ 3.5 है और ये 3 है, तो ये पहले लिखा जाएगा। जो कैटायन होता है उसका नॉमनक्लेचर नहीं बदलता है। हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हो ना, हाइड्राइड नहीं बोलते हम, हाइड्राइड नेगेटिव में बोलते हैं, है ना। जब वो हाइड्रोजन नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव वाले जितने हैं अधिकतर, मैं जनरलाइज नहीं कर सकती, पर अधिकतर DeIDeO इससे खत्म होते हैं, समझ गए। जैसे हमने यहाँ लिया था सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ मेरा क्या हुआ, क्लोरीन का तो क्लोरीन रहा, ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो गया। समझ में आ गई बात? अब इसी तरह से एक और चीज है, बंद कर दूं? चलो मैं नहीं लिखती, वैसे ही पूछती हूँ, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की +2 चार्ज होता है? एक ही यौगिक है, वो एक ही यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन का +2 चार्ज है, सामने लिखा हुआ है। और ये गौर करें, यहाँ पे और यहाँ के डिफरेंस देखो, अब ऑक्सीजन पीछे था, यहाँ आगे हो गया। ये चीजें आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड में भी आएगा, जहाँ आयोडीन किसी किसी हैलोजन के मुकाबले कैटायन माना जाता है और उसको पहले लिखा जाता है, क्योंकि हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो जब मैं आयोडीन और क्लोरीन का कंपाउंड लिखूंगी, आयोडीन पहले लिखा जाएगा। जब मैं IF7 लिखूंगी तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल रूल है जो अपने को कभी कभी कुछ आपको हो सकता है ऑप्शन ऐसे दे दें कि इनमें से बताइए कौन सा सही नहीं लिखा हुआ, तो फंडामेंटल रूल अपनाइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके बाद उसका नॉमनक्लेचर, ठीक है।